सो वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल। सो इस वीडियो में मैं जो है स्प्रिंग ऑफेंसिव जो पोएम है विल्फ्रेड ओवेन का, उसको जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन को डिस्कस करूँगी। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ स्प्रिंग ऑफेंसिव। तो ये जो पोएम है विल्फ्रेड ओवेन का, ये एक वॉर पोएम है, तो इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन को हम लोग देखेंगे। तो ये जो सबसे पहले हम लोग जो पोएट का इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं, देन लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं डिस्कस करूँगी इन हिंदी में। सो विल्फ्रेड ओवेन जो है वो एक इंग्लिश पोएट है, प्लस वो सोल्जर भी है, और वो एक लीडिंग पोएट रह चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में। जो विल्फ्रेड ओवेन है वो मास्टर्स द ग्रुप ऑफ वॉर है, मतलब जो वॉर पोएट का जो ग्रुप होता है उसमें से एक है, वो मास्टर है जिन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था वर्ल्ड वॉर का। इनके बहुत सारे फेमस वर्क में जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो एक फाइनेस्ट पोएम है, और ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव पोएम है इसी के तरह से बहुत सारे पोएम हैं जिनमें उन्होंने वॉर के अगेंस्ट अपना जो बिहेवियर है उसको दिखाया है, और वो जो है वो क्रुएलिटी ऑफ वॉर और हॉरर और वॉर के अगेंस्ट गए हैं। इस पोएम जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है इसमें भी उन्होंने इसी थीम को दिखाया है, क्रुएलिटी ऑफ वॉर के थीम को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो पोएट हैं विल्फ्रेड ओवेन वो खुद एक जो है सोल्जर रह चुके हैं, तो उन्होंने जो है वॉर को एक सामने से जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। सो इस वजह से उन्होंने जो है इस पोएम को लिखा है, और जो उन्होंने रियलिटी में जो देखा था, जो एक्सपीरियंस किया था, उन सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने इस पोएम में रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया है, और वॉर को एक तरह का जो है वो क्रुएलिटी बताया है, और बताया है कि जो वॉर है वो काफ़ी एक डिस्ट्रक्शन और डीके का थिंग्स है, तो इससे दूर रहना चाहिए। जो पोएम है, पोएम की शुरुआत होती है सोल्जर्स के एक्टिविटी के डिस्क्रिप्शन से बिफोर द बैटल फील्ड, मतलब युद्ध होने से पहले जो सोल्जर्स का एक्टिविटी है उसको जो है बताते हुए पोएम की शुरुआत की गई है, जिसमें जो पहला स्टेंजा है वो डिस्क्राइब करता है कि कुछ सोल्जर्स का जो झुंड है वो एक कैंप के में है, और वो लोग जो है एक जो हिल्स होता है, हिल के अंत में जहाँ पे छाव है वहाँ पे वो लोग कैंप लगा करके कुछ सोल्जर का झुंड वहाँ पे बैठे हुए हैं। दे हैड ईटन देयर फूड, वो लोग अपना फूड को खा रहे हैं और काफ़ी उनको जो है रिलैक्स फील हो रहा है फूड को खा करके, और वो थोड़ा सा कंफर्टेबली वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। कुछ उसमें से सो रहे हैं बिल्कुल केयरलेस होकर के, और उन लोगों को आने वाले डेंजर्स के बारे में भी यहाँ तक कि नहीं पता है। बट देयर आर मैनी सोल्जर्स हु आर स्टैंडिंग अलर्ट, कुछ ऐसे भी सोल्जर्स हैं जो काफ़ी अलर्टली वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर जो है वो अटैक ना हो जाए और हमला ना हो जाए, और आने वाली जो युद्ध है उसके बारे में वो लोग बिल्कुल सचेत कॉन्शियस होकर के इधर उधर टहल रहे हैं और देख रहे हैं। वो जो सोल्जर्स है वो बिल्कुल एक वैकेंट स्काई के नीचे हैं और बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर हैं, और उन लोगों को ये भी पता है कि जैसे जैसे उनका स्टेप आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो लोग बैटलफील्ड के काफ़ी नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं और करीब पहुँचते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो है वो सराउंडिंग एरिया का जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्क्राइब किया गया है, कि जो नेचर है वो काफ़ी काइंड है, काफ़ी एक तरह का काम है, और जो सोल्जर्स के लिए वो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो अपने पेन को, दुख को जो है वो भूल करके बिल्कुल ब्रिज, जो फ्रेश ब्रिज है, फ्रेश जो एयर है उसको ले रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो इस तरह से जो मई की ब्रिज है, मतलब मई महीने की जो हवा है उसके साथ धीरे धीरे जो मर्मरिंग साउंड है वैस्प का, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसका, वो चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। इसके अलावा समर्स की जो खुशबू है वो उनके नसों में दौड़ रही है, जैसे कि उनके नसों में वो एक ड्रग्स को इंजेक्ट कर दिया गया है, ऐसा फील उनको हो रहा है, इतना उन लोगों को रिलैक्स फील हो रहा था ड्यूरिंग द समर, जब वो लोग जो है वो खतरे का वेट कर रहे थे या फिर वो लोग बैटल फील्ड की ओर आगे बढ़ रहे थे। जो घास है, जो स्काई है, वो उन्हें एक तरह की वार्निंग दे रही थी ये सारे एक्टिविटी के द्वारा कि आगे क्या होने वाला है और क्या होने को है। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें जो पोएट है वो दिखाते हैं कि उनके थॉट को, जो कि जो वो लोग वार्म फील्ड को, वैली को, घाटियों को पार करके जो यहाँ तक अपना आए हैं और पड़ाव डाले हैं, तो वो पिछले जो पार किए हैं रास्ते उसको सोल्जर्स याद करते हैं कि कितना वार्म फील्ड था वो जिसको पार करके वो आए, अभी वैली कितनी सुंदर थी, और जो वाटर कप्स, वाटर कप्स क्या होता है, तो ये एक तरह का येल्लो फ्लावर्स है, वो भी काफ़ी
वो जो येलो फ्लावर्स है वो उसे जो है ब्लेस कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो लोग जो युद्ध के मैदान के लिए जा रहे हैं वो सफलतापूर्वक हो, और जहाँ पे जो छोटे छोटे थ्रोन से मतलब जो कांटे हैं बुसेस की वो उन्हें जो है वो आगे बढ़ने से भी रोक रही है और उन्हें मना कर रही है कि वो उस बैटल फील्ड में ना जाए। और एक तरह का ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लैमेंटिंग, उनका हैंड जो है वो पछतावा के साथ जो है वो रो रो करके वो उन्हें रोक रही है कि वो आगे ना बढ़े। जो फोर्थ स्टेंजा है वो इंडिकेट करता है कि जो सोल्जर्स हैं वो बैटल के लिए तैयार है और जो उनका सोल है वो भी लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ पे उन लोगों के लिए कोई भी अलार्म नहीं था, ना ही कोई मूवमेंट था हाई फ्लैग का कि हाँ अब युद्ध होने वाला है। एकदम अचानक से ही जो है वो बैटल शुरू हो जाता है और जो उनका लव और जो अफेक्शन रहता है वो सन के लिए वहीं पे उनका ख़त्म हो जाता है और वो लोग जो है वो नेचुरल वे ऑफ लिविंग से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और यहीं पे वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दो जो है पार्टी उन दोनों में जो है वॉर स्टार्ट हो जाता है, खून की धारा बहने लगती है, जिसको देख करके जो है वो नेचर भी क्या करती है, एक अफेक्शन जो है अपना जो लव केयर है वो हटा लेती हैं। फिफ्थ स्टेंजा में जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वॉर के इफ़ेक्ट को, किस तरह से चारों तरफ जो है वो खून की नदियाँ बह रही हैं, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, बुलेट्स के जो होल हैं वो जो है लोगों के बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ जो है वो ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा है। और जो फाइनल स्टेंजा है उसमें जो पोएट कहते हैं कि कुछ सोल्जर्स जो है वो उनका जो फॉर्चुनेट्स काफ़ी अच्छा होता है जिसके वजह से वो सेफली घर लौट पाते हैं इस तरह के इनह्यूमैनिटी एक्ट के बावजूद भी और ब्रुटैलिटी वाला किल्ड के बावजूद भी। बट कुछ तो ऐसे हैं जो उसी युद्ध भूमि में मर जाते हैं और वो घर भी वापस नहीं लौट पाते हैं, और जो लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौट पाते हैं दे नेवर फाउंड टू ग्लोरीफाई द डेथ ऑफ देयर फेलो कॉमरेड्स हु डाइड इन द फ्रंट। तो जो लोग ऐसे ही जो वापस लौट कर आ जाते हैं वो लोग बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ में आ तो जाते हैं लेकिन वो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं अपने जो उनके साथी रहते हैं उनके मृत्यु के बारे में, जो कि उनके सामने ही मर चुके थे इन द बैटल फील्ड में। सो इस तरह से ये एक वॉर पोएम है जहाँ पे वेन जो पोएट है उन्होंने वो एक राइमिंग कपलेट का यूज़ किया है। ये जो पोएम है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड जो डिवाइसेस उसका यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल इसमें सिमली का यूज़ किया गया है और सिमली का एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक लाइक से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा मतलब वो सिमली है। इसके अलावा भी जो पोएट है उन्होंने एलिटरेशन एसोनेंस जो है वो इस पोएम स्प्रिंग ऑफेंसिव में यूज़ किया है, जो इस पोएम को काफ़ी एक पेस्टोरल सीन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग लाइन लिख सकते हैं ये वाला, मैन स्टूड स्टिल फेसिंग द स्टार स्काई। सो जो पोएट है उन्होंने यहाँ पे हाइपरबोले का भी यूज़ किया है। हाइपरबोले मीन्स होता है कि एक्सेसिवनेस प्रेस करना बढ़ा चढ़ा कर, और इसके अलावा उन्होंने जो है वो ऑक्सीमोरन को भी यूज़ किया है। ये जो पोएम है वो वर्च्यू एंड इविल को दिखाता है, ग्लोरीज एंड सेम्स को दिखाता है। सो इस तरह से बहुत सारे फिगरेटिव लैंग्वेज है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रैंक्यूलिटी है मतलब जो कामनेस है वो एक तरह का, और जो टेरर है वो एक तरह का पोएम में रियल सेंस ऑफ टेंशन को क्रिएट करता है, और जो पोएम का मूड है वो काफ़ी पीसफुलनेस है बट एट द एंड जा करके ये डेथ को सर्वाइवल को जो है वो इंडिकेट करता है। सो जो ये पोएम है ओवरऑल बिल्कुल एक परफेक्ट पोएम है, एंड इसमें जो है वो यही दिखाया गया है कि किस तरह से क्रुएलिटी ऑफ वॉर को दिखाया गया है और जो है वो हॉरर ऑफ वॉर को दिखाया गया है थ्रू द पोएम। सो आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आ गई होगी इसका आंसर, और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।